मम्मी जी निकाल रही है बीन्स राइस के लिए। वहाँ है हरतोला सबसे आगे ऊपर। अकेला थक जाएगा मिलकर। ये देखो बीन्स, अरे वाह, मोती से हो रहे हैं बिल्कुल। कि जब आदमी खाना खा रहा हो ना और भूल जाए सब कुछ। नमस्ते, सत सलाम। तो आप जानते हो हम कहाँ पे हैं, हम हैं गुड़गांव में। और आई थिंक आप मिस कर रहे होगे पहाड़ों को, रामगढ़ को मिस कर रहे होगे, और हम भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, बता नहीं सकते इतना मिस कर रहे हैं, स्पीचलेस है बिल्कुल। जो हाची है उसको आप मिस कर रहे होगे। हाची जरा एसी के अंदर आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा है। एक ही ठिकाना है बस सारा दिन एसी। तो हमने आने से पहले यहाँ एक वीडियो शूट किया था जिसमें प्रीति ने बनाई थी फ्रेंच बीन्स जो हमने उगाई हुई थी अपने खेत में। तो उसकी हमने सारी कटाई की। कटाई करने के बाद मैंने इतना बड़ा कट्टा लगभग 6-7 किलो का था होगा, वो 6-7 किलो मैंने बीन्स अपने खेत में से निकाली। चाइनीज राइस बनाए, फ्राइड राइस बनाए और फ्राइड राइस बनाए, बहुत यम्मी राइस बने थे। तो आज प्रीति ने दोबारा बनाए थे तो मेरे को याद आ गई और मैंने सोचा कि यार आपका दोबारा वो मेमोरी शेयर करें अपनी। तो चलिए देखते हैं हमारा वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंजाबी ट्रैकर। डू शेयर लाइक द वीडियो एज वेल। ये देखो हमारे बाग की बीज कितनी कच्ची बिल्कुल बढ़िया सी हो रही है और इसका टेस्ट देना कितना बढ़िया होगा। ये बीन्स तो मम्मी ने तोड़ ली नीचे वाले खेत से, अब ऊपर वाले खेत की और बची बीन्स। तो बीन्स तोड़ने जा रही है, चलो तो चलते हैं। बनाइएगा बीन्स का एक चीज भी, बहुत सारी चीजें बनती है। मैं सोच रहा हूँ आज फ्रेंच फ्राइज बनाए। फ्रेंच राइस। वाह, चलो। मेहनत से साग सब्जी बोई है खेता में, तो उसका स्वाद भी तो ले लें थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद लो। और कुछ डिमांड हो तो थारी आप बता दो। हमारी कोई डिमांड ना भाई, तो बीन्स तोड़ ले फ्रेंच बीन्स अपने। वैसे लवली जी को बीन्स पसंद नहीं है कतई भी। मेरी फेवरेट है बीन्स की सब्जियाँ गवार की फली, दूसरा ये फ्रेंच बीन्स। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, इनको पसंद नहीं है तो मैं उसको दूसरे फॉर्म में खिला देती हूँ। या तो मैं रोल बना देती हूँ उसका, या मैं बना देती हूँ फ्रेंच फ्राइज राइस। हाँ, फ्रेंच फ्रेंच बीन्स के बने हुए राइस, यानी कि फ्राइड राइस। चल तोड़ ले, बारिश आने वाली है फटाफट। तो पहले तो दिखाते हैं आपको बीन्स हमारी कैसी लगी हैं। ये देखो, बीन्स ये दिखाओ, ये काट के दिखा। देखा अच्छी बड़ी बड़ी होगी। जब अपने अपने खेत की सब्जी तोड़ो ना, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मेहनत जो करी है, मेहनत का फल तो मीठा होता ही। इसको हमारे लग गए 2 महीने में पूरी तैयार होगी। अच्छा, पर मैंने देखा सबसे लो मेंटेनेंस वाली सब्जी जो है ना हमारी बीन्स है। ये बीन्स है वाकई में, कोई स्प्रे नहीं डाला हमने इसमें, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई दवाई नहीं डाली अलग से, और सिर्फ गोबर की खाद से। देखो कितनी बढ़िया होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी शहर में शादी होगी, है शहरी जीवन में जी रही हूँ और एकदम से मेरी काया पलट हो जाएगी। पिछले 8-10 साल में मतलब बिल्कुल ही गांव वाला देहात वाला जीवन जीना और साग सब्जी अपने खेत की उगाना, मजा आ जाता है यार। गंगा को बोलना वो वाली बीन्स अंदर रख देगी। गंगा ये बीन्स नहीं छोड़ करना बेटा, वो बीन्स बाहर रखी है ना, बारिश आ गई अंदर रख दो। बारिश होगी थोड़ी थोड़ी शुरू, बीन्स अंदर रख दो। और सबसे बड़ी बात है इस बार जो मैंने ये बीन्स बोई है ना, ये डिफरेंट बीज था इस बार। मैंने ये पहाड़ी बीज नहीं लिया, मैंने इस बार जो बीज लिया ना, ये टांडा आता है रास्ते में मुरादाबाद के पास में, आपने सुना होगा। टांडा से मैंने किसी खाद और बीज वाली शॉप से ये बीज लिए थे और इतने डिफरेंट बीज थे
और जिसकी मुझे पैदावार मुझे लगता है सबसे अच्छी हुई अभी तक की। भैया आज मैंने लगा दी गंगा काम पे। ये मैंने आज जो बीन्स तोड़ी है, हम सब ने भाई, मम्मी भी थी, लव्वे भी था, है भाई लव्वे। वैसे अब दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम अपनी तैयारी में लग गए हैं। आज थोड़ा लेट हो गए हैं, मम्मी के हिसाब से लंच टाइम आज थोड़ा लेट हो गया है ना। और ये देखो भाई, ये चावल उबाल दिए मैंने। ये चावल देखो इनकी, ये मैंने हल्के से टाइट टाइट रखे हैं। आज बना रही हूँ मैं फ्राइड राइस। तो सारी तैयारी हो चुकी है लगभग। आज मैंने लगा दी गंगा भी काम पे, है भाई गंगा। हाँ, मैं लहसुन बारीक बारीक काट रही हूँ और फिर मिर्च को भी काटूंगी। इन दोनों का चक्कर ये रहता है कि मान लो इसको एक काम बोल दिया मैंने और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा इसको कोई काम बोल दिया तो फटाक से बोल देगी, मम्मी आपने लव्वे को तो कोई काम कराया ही नहीं, मैंने तो कर दिए 2 काम। और एक एक काम गिनते हैं कितने काम कर लिया आज हमने, है गंगा। हाँ। तो दादी ने हमारी ये सारी सब्जियां काट दी है। ये गाजर है, पहाड़ी गाजर है, ये भी, ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च है, और ये है प्याज। और ऊपर देखो दिख रहा है कोई कोई बंदा दिख रहा है? ये बंदा अगर कैमरा नहीं पकड़ रहा तो समझ लो दूसरे काम, या तो उसने गेती पकड़ रखी होगी खेत में या फिर अपना लैपटॉप का उंगलियां चल रही होगी साथ में, तो इसलिए 2 काम में बिजी मिलेंगे। कैमरा ढंग से पकड़ रखा मैंने कभी? आज भाई कैमरा मेरे हाथ में है, थोड़ी सी मैं भी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। अब हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई गैस पे, तेल डाल रही हूँ भाई, सरसों का तेल। इससे फायदा एक ये है सरसों के तेल से कि इसमें ना फ्राइड राइस जो है चिपकते नहीं है। लास्ट में क्या होता है ना, जब हम इनको करारे करते हैं ना तो थोड़े से चिपक जाते हैं। या तो लोहे की कढ़ाई हो जो होती है चाइनीज वाले भाइयों के पास, अब वो कढ़ाई जो है लोहे की मेरी छोटी है, चावल है ज्यादा, तो इसलिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया। मम्मी जी निकाल रही है बीन्स राइस के लिए, मजा आ जाएगा वाकई। मम्मी आज कच्ची कच्ची बीन्स, हाँ बहुत बढ़िया आ रही है, बिल्कुल ऐसी लगती है मटर नहीं होते जैसे टेस्ट। हाँ, है बिल्कुल ना, मटर की तरह। और मिर्च भी काट दी भाई, गंगा भी दिखा रही है अपना, और मैं अदरक भी काटूंगी। गंगास तो तुमने कड़ी मेहनत कर ली भाई, इतनी बहुत। हाँ तेल पक गया मेरा, अब इसमें डाल देती हूँ प्याज, 3 छोटे प्याज चाहिए। अगर मेरे पास हरे प्याज होते तो मैं हरे प्याज जरूर डालती हूँ, वो मेरे फेवरेट है, लेकिन आज हरे प्याज है नहीं। ये भी मैंने गांव में ही खेत से लिए, किसी से प्याज उन्होंने सबने ना निकाल लिए खेतों में से प्याज, अगर होते तो वो डालती जरूर। लहसुन डाल देते हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ो एक हाथ से सब्जी बनाओ डालो भी। गंगा बिजी होगी, बड़ी मुश्किल से काट के गई है, कह रही मम्मी बस हो गया मेरा काम मैं जा रही हूँ। आज साहब जी तो हैं बिजी, अब मैं अकेली आज कर रही हूँ ब्लॉगिंग। भाई अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। क्या देखो मैंने जरा से भुने हैं ये, बिल्कुल हल्के हल्के से। अब मैं फटाफट इसमें डाल देती हूँ गाजर। मुझे पहाड़ी गाजर बहुत टेस्टी लगती है, और ये लव जी जो है हमेशा सलाद में भी गाजर और एक चुकंदर, ये 2 चीज तो जरूर खाते हैं। शिमला मिर्च थोड़ी देर में डालूंगी क्योंकि शिमला मिर्च बहुत ज्यादा ना पकी हुई अच्छी नहीं लगती। चलो इतने थोड़े से नजारे भी दिखा देते हैं, बाद में इतने गाजर भुने हमारी। अरे वाह, मौसम देखो जरा कैसा हो रहा है आज का। ऊपर देखो बादल का कलर देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, वाह भाई वाह, मजा आ गया देख के। वहां है हरतोला सबसे आगे ऊपर, 3 टावर आपको नजर आ रहे होंगे ऊपर, हरतोला, नथुआ खान, शीतला, ये वो अली रेंज है और हमारे घर से पूरा क्लियर दिखता है। जब भी बारिश होती है ना, बादल आते हैं तो हमेशा उस साइड से नीचे की तरफ आते हैं, हमारी वैली की तरफ में। ज्यादातर वहां हम समझ जाते हैं देख के भैया बादल बनने शुरू हो गए हैं, अब ये यहाँ हमारे यहाँ पहुंचने वाले हैं रामगढ़ तक। और इस तरफ देखोगे तो देखो कितनी कड़ी धूप हो रही है, यही तो पहाड़ों का मजा है।
अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। अंदर राइस भी देख लेती हूँ, कभी सड़ जाऊँ भाई बात के चक्कर में। ओ भाई गंगा संभाल रही है, वाह भाई वाह गंगा। मैंने कहा जलना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा मिक्स कर रही थी। सियानी होगी गंगा है गंगा। मम्मी होगी बीन्स? हाँ वैसे इन बीन्स को ज्यादा भुनने की जरूरत नहीं है, बहुत कच्ची बीन्स है देखो। कच्ची बीन्स ये देखो बीन्स, अरे वाह मोती से हो रहे हैं बिल्कुल। अब हल्की सी गाजर भी भून ली है। हर चीज का ना एक तरीका होता है, जैसे प्याज है, प्याज हल्के से फ्राई अच्छे लगेंगे ज्यादा नहीं, और गाजर होती है थोड़ी हार्ड होती है बीन्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि बीन्स बहुत ज्यादा कच्ची है। तो इसलिए मैंने पहले गाजर डाली और थोड़ी सी भून दी हल्की सी उससे पहले, अब बीन्स डाल देती हूँ। वो देख आवाज आई ऊपर से। यहाँ ब्लॉगिंग चल रही, यहाँ कुकिंग भी चल रही, समझ आई? खेत में काम भी चल रहा। बीन्स अब ऑलमोस्ट हो गई है, अब ना लास्ट वाला चीज डाल देते हैं, वो है शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च ना सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम गल जाती है डालते ही, और ज्यादा ना वो बतावा वाली अच्छी नहीं लगती, तो मैं शिमला मिर्च को अवॉइड करती हूँ पहले डालना, सबसे लास्ट में डाल दी। और अब डाल देते हैं फटाक से नमक। अनुमान से भाई, मैं भी नाप के नहीं डालती लवली जी की तरह, आइडिया से डाल देती हूँ। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, खत्म हो गई हमारी थोड़ी सी बच रही है लास्ट की, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये लोकल है, इसका कलर आप देख रहे होगे ऐसा लग रहा है जैसे ना हल्दी हो, लेकिन ये वाकई में ना ये लाल मिर्च है, और वैसे तो इसका टेस्ट तो अच्छा है पर रंग नहीं है इसका, क्योंकि ये लोकल है, चक्की से पिसवाई थी मैंने थोड़ी, पर ये मिलावटी नहीं है। हाँ ये बात गंगा ने सही करी। थोड़ा सा ना ये मैगी मसाला डाल दूं, वैसे मैं कम ही यूज करती हूँ मैगी मसाला वगैरह, घर के गरम मसाले यूज करते हैं, पर कभी कभी बच्चों को जब चाइनीज खिलाना होता है तो डिफरेंट टेस्ट तभी आता है जब उसमें एक आधी चीज बाहर के अटरम शटरम डालो। अभी थोड़ी सी शेजवान वाली चटनी है, पहले वो डाल देती हूँ टेस्ट के लिए, अच्छा टेस्ट। और थोड़ी सी सोया सॉस भी पहले ही डाल देती हूँ। अब तेज गैस करके फटाफट डाल देते हैं इसमें चावल। मांड निकाल दी और बस सीधा चावल उबाल के मांड निकाल के अब ऊपर पे डाल दिया कभी ठंडा ठंडा पानी, और अब कर दो मिक्स। बहुत ज़्यादा नहीं भरूंगी कढ़ाई, नहीं तो ना टूट ना जाए ये। मैंने थोड़े से बचा दिए, मेरे को लग रहा था मैंने कहा ज़्यादा कढ़ाई भर जाएगी ना तो स्वाद नहीं आएगा। देख रहे हो कितने बड़े अकीले किले बने हैं भाई। अब लवली जी बताएंगे पास हुई की फेल। थोड़ा नींबू डाल देती हूँ। लो भाई फ्राइड राइस कंप्लीट हो गया बनके। ऊपर नहीं, ऊपर होगा। नीचे आ गया ना? लो भाई आज तो सब्जी ऊपर ही खाएंगे। क्या नाम है? देखो भाई। आपकी मेहनत भी है। ऐसे हम थोड़ी देर पहले एक गाना गा रहे थे। हाँ। साथी हाथ बढ़ाना। अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अरे वाह मम्मी जब गाती है ना मेरी आवाज निकलती, मम्मी इतना सुरीला गाती है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है भैया अब साइड ही हो जाओ सही है। तो भाई सब्जी की भी सुन लेते हैं, कह रहे हैं ऊपर खाऊंगा आज मैं, चलो भाई ऊपर लेके चलते हैं भाई। सब कुछ परफेक्ट है, जैसे क्रिस्पीनेस होती है वेजिटेबल्स के अंदर वो भी परफेक्ट है। वाह शुक्रिया साहब जी, कभी कभी करो इतनी तारीफ मेरी। थैंक यू। एक बात है ब्लॉगिंग के बहाने मेरी तारीफ ज्यादा होने लगी। सच्च
सच्ची बात है, ये दिल से बता रही हूँ मैं. पहले ना इतना कम बोलते थे ना, मैं पूछती थी, मैंने कहा कैसी बनी है, कैसी बनी है, सही बनी है, तब कहते थे हाँ बढ़िया, चुपचाप जब खा ले तो बढ़िया. मेरे पापा जी क्या करते थे कि जब आदमी खाना खा रहा हो ना और भूल जाए सब कुछ, तारीफ करना ही भूल जाए, तो खाना बहुत बढ़िया बनता है. समझ गई? समझ गई साहब. जब आदमी बोले 15 साल से यही बात सुन रही हूँ मैं, मतलब 15 साल से चक्कर मार रही है. तो लास्ट मैं बोलूंगा इस बार, जैसा कि विषम कहते हैं कि इफ यू लाइक और फ्राइड राइस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंजाबी क्रैकर, यू शेयर लाइक द वीडियो एज वेल. यस, घर में ट्राई करना, फिर बताना कमेंट करके कि फ्राइड राइस हमारे कैसे लगे. आई डिड इट, आज मैंने पूरा व्लॉग खुद से बनाया, अब कोशिश करूंगी एडिटिंग भी खुद से करूं, आपके साथ बैठूंगी पूरी एडिटिंग करूंगी. ठीक है, कोशिश की एक छोटी सी, उतना अच्छा तो नहीं बोल सकती मैं इनकी तरह, लेकिन हाँ ट्राई तो कर ही सकती. भाई काफी नींद आ गई.